हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैलामाइन लोशन कैसे बनाया जाता है और कैलामाइन लोशन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और उन सभी इंग्रेडिएंट्स के यूज़ के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कैलामाइन लोशन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने पहले से वे कर लिया है। ये कैलामाइन है जिसको हमने 3 ग्राम वे कर लिया है। ये जिंक ऑक्साइड है, इस जिंक ऑक्साइड को हमने 1 ग्राम वे कर लिया है। और नेक्स्ट है बेंटोनॉइड, इस बेंटोनॉइड क्ले है जिसको हमने 0.6 ग्राम वे कर लिया है। और नेक्स्ट है सोडियम सिट्रेट जिसको हमने 0.1 ग्राम वे किया है। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड्स। लिक्विड्स में हमने रोज वाटर ऐसा परफ्यूमिंग एजेंट यूज़ किया है और प्योरीफाइड वाटर हम वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। लिक्विफाइड फिनॉल को हमको 5 ml लेना है और ग्लिसरीन को 1 ml। ये सारे मेजरमेंट्स हमने 20 ml लोशन बनाने के लिए किया है। आप अगर क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप सभी वेट्स और मेजरमेंट को अकॉर्डिंगली बढ़ा भी सकते हैं। कैलामाइन लोशन बनाने के लिए हमको मोटर और पेस्टल की ज़रूरत होती है। मोटर और पेस्टल की मदद से हम पाउडर्स और लिक्विड को अच्छे से मिक्स और ट्रैचुरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको मोटर में कैलामाइन जिसको हमने 3 ग्राम वे कर लिया है वो ट्रांसफ़र करते हैं। कैलामाइन बेसिक जिंक कार्बोनेट या जिंक ऑक्साइड होता है जिसमें फेरिक ऑक्साइड मिला हुआ होता है और इस फेरिक ऑक्साइड की वजह से कैलामाइन का कलर पिंक होता है। कैलामाइन टॉपिकली यूज़ करते हैं चिकन पॉक्स, इंसेक्ट के काटने या डंक मारने या मिजल्स, एक्जिमा, सनबर्न या पॉइजन ईवी से होने वाले इरीटेशन या स्किन ईचिंग को ट्रीट करने के लिए टॉपिकली यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जिसको हमने पहले से 1 ग्राम वे कर लिया है उसको हम मोटर में ट्रांसफ़र करते हैं। जिंक ऑक्साइड टॉपिकली स्किन में प्रोटेक्टिव और एंटीसेप्टिक एक्शन शो करता है और जिंक ऑक्साइड की एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी होती है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये बॉडी टिश्यू को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और स्किन के पोर्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे ऑयल का सिक्रेशन कम होता है और स्किन ड्राई रहती है, जिसकी वजह से इसको डस्टिंग पाउडर, लोशन और ऑइंटमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और ये प्रिपरेशन स्किन डिसीजेज और इन्फेक्शन सोरियसिस के लिए यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं बेंटोनॉइड। बेंटोनॉइड जिसको हमने 0.6 ग्राम वे कर लिया है उसको हम मोटर में ट्रांसफ़र करते हैं। बेंटोनॉइड एक क्ले मिनरल होता है जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट से बना हुआ होता है। ये बेंटोनॉइड वाटर में इनसॉल्युबल होता है बट वाटर में ये स्वेलिंग प्रॉपर्टी शो करता है। बेंटोनॉइड ऑयली स्किन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है और इसको बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, ऐसा फेशियल, ऐसा कॉम्पैक्ट पाउडर, ऐसा स्किन फाउंडेशन, इन द फेस पैक, एंटी एक्ने प्रोडक्ट। कैलामाइन, बेंटोनॉइड और जिंक ऑक्साइड को मोटर में ऐड करने के बाद अब हम पेस्टल की मदद से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ट्रैचुरेट करेंगे। ट्रैचुरेट करने से पाउडर में प्रेजेंट जितने भी लार्ज पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही फाइन साइज में रिड्यूस हो जाएगा ताकि हमारा कैलामाइन लोशन बहुत ही फाइन और स्मूथ बने। अब हम 0.1 ग्राम सोडियम सिट्रेट को सफिशेंट क्वान्टिटी रोज वाटर में ऐड करेंगे और ग्लास डॉट की मदद से इस सोडियम सिट्रेट को डिजॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर 10 ml रोज वाटर लिया है। रोज वाटर जो कि वाटर और रोज पेटल से मिलकर बना हुआ होता है और इस रोज वाटर को हम एज अ परफ्यूमिंग एजेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सोडियम सिट्रेट को अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं सोडियम सिट्रेट पूरा डिसॉल्व हो गया है। अब हम इस सोडियम सिट्रेट को ड्रॉप बाय ड्रॉप पिपेट की मदद से मोटर में ऐड करेंगे और साथ ही साथ पेस्टल की मदद से हम ट्रैचुरेट भी करते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने, और अगर कोई लम्स बने तो ट्रैचुरेशन से वो लम्स ब्रेक हो जाए। हम यहाँ पे जो सोडियम सिट्रेट यूज़ किए हैं वो एक बफर की तरह काम करता है और कोई भी स्किन प्रिपरेशन के पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमने जितना भी सोडियम सिट्रेट बनाया है वो पूरा हम यहाँ पर ऐड करेंगे और जब तक ट्रैचुरेट करेंगे जब तक कि हमारा जो स्लरी है वो बहुत ही स्मूथ ना बन जाए। कैलामाइन लोशन जो हम यहाँ पे बना रहे हैं वो बहुत से माइल्ड स्किन कंडीशन जैसे कि ईचिंग, स्किन इरिटेशन, ऑयली स्किन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाने वाला बहुत ही कॉमन मेडिकेशन है। हमको जब तक ट्रैचुरेट करना है जब तक कि हमारी स्लरी बहुत ही स्मूथ ना बन जाए। आप देख सकते हैं स्लरी बहुत स्मूथ बन गया है। अब हम लिक्विड्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले 0.1 ml लिक्विफाइड फिनॉल को मेजर करेंगे और ऐड करेंगे। लिक्विफाइड फिनॉल को ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लिक्विफाइड फिनॉल लोकल एनेस्थेटिक एक्शन शो करता है और उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। लिक्विफाइड फिनॉल एंटी ईचिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है। अब हम 1 ml ग्लिसरीन मेजर करेंगे और उसको मोटर में ऐड करते जाएंगे और पेस्टल की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ग्लिसरीन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है जो कि मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है एयर से और स्किन को मॉइस्ट और सूदिंग
अफेक्ट प्रोवाइड करता है। अब हम रोज वाटर ऐड करके या आप प्योरीफाइड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं और इस क्वांटिटी को हम 20 ml तक मेज़र करेंगे। अब हमारा ये कैलामाइन लोशन बिल्कुल रेडी है टॉपिकली यूज़ करने के लिए। आप इस कैलामाइन लोशन को एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लेबल करके रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।